कोरोना जैसी महामारी को नियंत्रित करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू घोषित किया गया है, जिसके तहत रविवार को समस्त दुकानों को पूर्णतया बंद रखने के आदेश भी हैं। लेकिन रविवार को उदयपुर में दहली गेट चौराहे पर बनी एक पतंग की दुकान पर खुलेआम बिक्री हो रही थी, जिस पर धानमंडी थाने के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और दुकान बंद कराने का प्रयास किया। इसी बीच दुकान संचालक और पुलिस कर्मियों के बीच गहमा गहमी हो गई। जानकारी के अनुसार दहली गेट से मंडी की ओर जाने वाले मार्ग पर बनी सलीम पतंग की दुकान पर बिक्री हो रही थी, जिस पर पुलिस कर्मी दुकान बंद कराने पहुंचे तो दुकान संचालक पुलिस कर्मियों से उलझ पड़ा। इसके बाद आरोपी युवक को धान मंडी थाने लाया गया। हालांकि सलीम पतंग मर्चेंट के मालिक का कहना है कि पुलिस कर्मियों ने घर की बहन बेटियों के साथ बदसलूकी की, उसके बाद ही पुलिस कर्मियों से उन्हें उलझना पड़ा। दुकान संचालक और पुलिस कर्मियों के बीच झगड़ा होते देख कई लोगों की भीड़ जमा हो गई और दोनों को समझाइश का प्रयास भी किया। Come on!